गाइस, मेरा नाम है इस्लान खान और आप देख रहे हैं इंडियन एक्शन। तो गाइस आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं म्यांमार वर्सेस बांग्लादेश मिलिट्री पावर कंपैरिजन 2022। ये बहुत ही लेटेस्ट वीडियो है, बहुत ही मतलब कमाल की वीडियो होने वाली है। मैं फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ म्यांमार मिलिट्री वर्सेज बांग्लादेश मिलिट्री कंपैरिजन की कौन सी मिलिट्री कितनी आगे है। अब ये तो देख के ही पता चलेगा कि कौन कितना आगे है, लेकिन अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले। ओ म्यांमार बांग्लादेश रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। ओके, पावर इंडेक्स ग्लोबल रैंक 39 और ये बांग्लादेश 46। क्या यार, मुझे लगा था बांग्लादेश आगे होगा। न्यूक्लियर वेपन जीरो, हाँ दोनों के पास नहीं है। म्यांमार स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ग्लोबल रैंक के हिसाब से। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर कैपिटल। ओके, ये बड़ा खतरनाक नाम है म्यांमार तरफ का, ढाका इधर है कैपिटल। पॉपुलेशन तो बांग्लादेश की ज्यादा है। डिफेंस बजट ओके 2.29 बिलियन, 3. यार इसकी तो 3 बिलियन से ज्यादा है यार, लेकिन फिर भी ग्लोबल रैंक में पीछे है। एक्टिव पर्सनल में 4 लाख, 1,65,000। रिजर्व में जीरो। अच्छा, दोनों के पास रिजर्व नहीं है। टोटल एयरक्राफ्ट 280-190। फाइटर एयरक्राफ्ट 55 है इनका, 44 तकरीबन 11 कम है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट 96 डाटा अवेलेबल है, 96 डाटा अवेलेबल मतलब नहीं है इसका। अटैक एयरक्राफ्ट 21, 0। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट 5-2। ओके, टैंकर टू ट्रेनर एयरक्राफ्ट 93-63। ओ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 26-13। ओ डबल का फर्क है भाई। हेलीकॉप्टर 80-66। अटैक हेलीकॉप्टर्स 9-0। टैंक्स 664-320। फाइटर फाइटिंग व्हीकल ओके डबल है भाई, डबल। आर्टिलरी नो कंपैरिजन। नो कंपैरिजन है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है यार, इतना पीछे बांग्लादेश मिलिट्री में। नेवल असिस्ट ओके, नेवल असिस्ट देखते हैं। वो इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही ज्यादा नहीं डिफरेंस है। एयरक्राफ्ट कैरियर 0-0। हाँ ये बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है, मिलिट्री में समझ लो सबसे एक्सपेंसिव चीज यही है, एयरक्राफ्ट कैरियर। हेलीकॉप्टर कैरियर ये भी नहीं है। डिस्ट्रॉयर सिर्फ 0-0। फ्रिगेट 5-7। हो ये ज्यादा है बांग्लादेश के बाद। वाह, काफी चीजों में तो यार बांग्लादेश पीछे जा रहा है, हालांकि नेवी में थोड़ा स्ट्रांग है। देखो ये भी ज्यादा डबल का डिफरेंस था। पेट्रोल वेसल्स इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है यार, 100 का मैसेज 103। माइन वर्क फ्लो ये ज्यादा है बांग्लादेश का, 5-2। सबमरीन 1-2। GDP 71 बिलियन,
नो कंपेरिजन है, बहुत ज़्यादा है जीडीपी बांग्लादेश के, एरिया म्यांमार का ज़्यादा है, बॉर्डर भी ज़्यादा है, कोस्ट लाइन देखते हैं कितनी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गई। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो बहुत ही कमाल की लगी यार, और बड़ी ही शॉकिंग वीडियो थी यार। मुझे नहीं पता था कि म्यांमार मिलिट्री में बहुत ही स्ट्रांग, मतलब कि बांग्लादेश से तो स्ट्रांग ही है, ये मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चला। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि बांग्लादेश ज़्यादा होगा, क्योंकि जीडीपी भी इसकी ज़्यादा, तो हो सकता है डिफेंस में ज़्यादा खर्चा करता हो, लेकिन नहीं करता भाई। बांग्लादेश काफ़ी चीज़ों में म्यांमार उसको बीट कर गया, कुछ चीज़ों में बांग्लादेश आगे निकला, नहीं तो सभी चीज़ों में बीट कर गया है। नेवी हाँ, हालांकि थोड़ी सी स्ट्रांग है, नेवी के मामले में कहना पड़ेगा तो नेवी थोड़ी सी बांग्लादेश की स्ट्रांग है, और वैसे भी बांग्लादेश को कोई दिक्कत तो है नहीं, इंडिया के साथ उसके बहुत ही बेहतर ताल्लुकात हैं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं कि वॉर जहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है वही की मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और म्यांमार की तो वैसे भी मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन ये बड़ा शॉकिंग था कि दोनों के पास रिजर्व एक भी नहीं है, सब एक्टिव है, आर्मी रिजर्व में एक भी नहीं है, और डिफेंस बजट का भी बड़ा ज़्यादा डिफरेंस था कि उसका कितना कम बजट है, मतलब कि म्यांमार का 2 बिलियन का और उसका 4 बिलियन के आसपास है, लेकिन फिर भी उसकी मिलिट्री स्ट्रांग है, और जैसे टैंक एयरक्राफ्ट काफ़ी चीज़ें तो इन लोगों के पास है नहीं, जैसे न्यूक्लियर वेपन तो दोनों ही कंट्री नहीं है, न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री, और जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर फिर हेलीकॉप्टर कैरियर ये दोनों ही नहीं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ होती है। इंडिया के पास 2 हो पाए हैं, पहले से एक था लेकिन अब एक और हो गया है, जो 2 हो गए हैं, तो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, इसमें बहुत ही कम ही देश ले पाते, इसको ज़्यादा देश नहीं ले पाते, तकरीबन जितना का बांग्लादेश का बजट है इससे ज़्यादा का तो सिर्फ वो अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर ही मिलता है, तो समझ लो कितनी एक्सपेंसिव चीज़ है। मुझे हालांकि ये जब वीडियो स्टार्ट की जब मैंने इसका टाइटल पढ़ा था तो मुझे सच में, मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा था कि बांग्लादेश बीट कर देगा म्यांमार को, लेकिन वीडियो देखने के लगे मतलब वीडियो देखने के बाद पता चला कि म्यांमार की आर्मी बहुत ही स्ट्रांग है, मिलिट्री बहुत ही स्ट्रांग है। फिर जीडीपी का भी दिखाया था, जीडीपी के मामले में नो डाउट यार म्यांमार बहुत ही पीछे बांग्लादेश, बांग्लादेश की जीडीपी बहुत ही, साउथ एशिया में तो इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे रैंक करती है इसकी, बाकी काफ़ी चीज़ों में तो भाई म्यांमार ही बीट कर गया बांग्लादेश को, लेकिन कुछ चीज़ों में बांग्लादेश ने भी बीट की है। बाकी तो यार बड़ी कमाल की वीडियो लगी, बहुत अच्छी ये वीडियो लगी, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.